विभिन्न महाविद्यालयों में शोध प्रविधि का जो प्रश्न पत्र होता है, शोध प्रविधि अथवा अनुसंधान प्रविधि, उसके अंतर्गत आज हम अनुसंधान के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अनुसंधान को रिसर्च अथवा शोध भी कहा जाता है। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं अथवा अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, तब इसी उत्तर को आप लिख सकते हैं। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं हिंदी साहित्य को केंद्र में रखकर बात करूंगा कि हिंदी साहित्य के यदि हम छात्र हैं तो हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए शोध अथवा अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। परीक्षा में यह शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं हमेशा बताता हूं आपको। अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। साहित्य का अनुसंधान सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान से अलग ही होता है, क्योंकि उसके रचनात्मक परिवेश में केवल बिंबात्मक भाषा का प्रयोग ही नहीं, सृजनात्मक संवेदना की भी अभिव्यक्ति होती है। तो हिंदी साहित्य के छात्र जब अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यह सामाजिक, जो सामाजिक विज्ञान है अथवा जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, या फिर जो सोशल मैटर में जो रिसर्च होते हैं, उससे अलग होता है। क्योंकि किसी साहित्य के रचनात्मक परिवेश में, उसके रचना विधान में खाली बिंबात्मक भाषा का ही प्रयोग नहीं, बल्कि उसमें जो संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है उसका भी, उसके संबंध में भी रिसर्च करना होता है। अतः अनुसंधान के विभिन्न आयामों से जुड़कर इसकी अनेक प्रणालियों का विकास हुआ है, होता है। इस आधार पर ही अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का विवेचन किया जाता है। इसी कारण जो हिंदी साहित्य में जब अनुसंधान होता है तो उसके विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न विचार प्रक्रिया होती है और अनेक प्रणाली होती है। उसी के आधार पर हम अनुसंधान के प्रकारों का विवेचन और विचार विमर्श करते हैं। हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं को प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं, जैसे गद्य है, पद्य है, आलोचना है, विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं। साहित्य को विषय वस्तु, कि उसका कंटेंट क्या है, भाव किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है, विचार किस विचारधारा से प्रभावित है, शिल्प क्या है उसका, है ना, टेक्निक क्या है, भाषा के आधार पर अन्वेषित किया जाता है। तो जब हम साहित्य के अनुसंधान में संलग्न होते हैं तब हम देखते हैं इसका विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, भाव क्या है, किस प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति हुई है, विचार क्या है, शिल्प क्या है, भाषा क्या है, इसके आधार पर अन्वेषित किया जाता है, शोध किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। इस आधार पर अनुसंधान के भी अनेक प्रकार होते हैं जिनका विवेचन इस प्रकार से हो सकता है। तो इन सभी आयामों के आधार पर हम जो अनुसंधान है अथवा शोध है उसका विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान। वस्तु तथ्यात्मक मतलब जो कंटेंट है, जो थीम है, जो विषय वस्तु है। किसी भी रचना, विशेषकर गद्य रचना में, गद्य रचना में क्या कहते हैं, जिसका संबंध कथा साहित्य, नाटक, महाकाव्य इत्यादि से, वस्तु तत्व की प्रमुखता होती है। जब कोई शोध ग्रंथ वस्तु तत्व को केंद्र में रखकर लिखा जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रणाली का प्रयोग करना होता है। मतलब यह कंटेंट कहाँ से लिया गया है, वस्तु तथ्य मतलब इसका जो कंटेंट है, जो सामग्री या कहाँ से ली गई है, इसके संबंध में जब हम अनुसंधान करते हैं तब विशेष प्रणाली का प्रयोग करना होता है। वस्तु का आकलन विभिन्न स्रोतों से होता है और वह अनुसंधान का आंतरिक भाग भी होता है। मतलब जब हम वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान करते हैं तब हम यह देखते हैं कि किस स्रोत से यह सामग्री ली गई है, और यह अनुसंधान का भीतरी भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। तथ्यों को एकत्रित करना आवश्यक है और उसकी विश्वसनीयता भी निर्धारित की जाती है। समग्र रूप से वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान शोध का एक विशेष प्रकार है, जिसे विभिन्न कृतियों जैसे रामचरितमानस, साकेत, कामायनी, उर्वशी, संशय की एक रात, इन सभी का वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान किया जाता है। जैसे रामचरितमानस है वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, जो साकेत है यह भी भगवान राम की कहानी पर आधारित है, संशय की एक रात, इसमें भगवान राम के संशय का वर्णन किया गया है। तो जो कंटेंट है यह कहां से लिया गया है, राम कथा से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, तो इसे कहते हैं वस्तु तथ्यात्मक अनुसंधान। भावानुसंधान मतलब भाव का अनुसंधान, फीलिंग्स और इमोशंस। साहित्य सृजन का मूल आधार अनुभूति है। मतलब कोई भी साहित्य सृजन होता है फीलिंग्स के आधार पर, इमोशंस के आधार पर, जिसका संबंध भाव से होता है। अनुभूति का संबंध क्या होता है, भाव से होता है। जब किसी विषय के भाव का विश्लेषण करना हो तब उस कृति में जो भाव व्यक्त हुआ है उसके शास्त्रीय और आधुनिक पक्ष को सामने रखना आवश्यक है। जैसे कि आप राम की शक्ति पूजा में भगवान राम के मन में पराजय बोध का उदय होता है, पराजय बोध की भावना जन्म लेती है, लेकिन बाद में वह उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो
इसमें शास्त्रीय और आधुनिक पक्ष को सामने रखना आवश्यक है। शास्त्रीय पक्ष हो गया वाल्मीकि रामायण में जो भगवान राम की जो मना स्थिति है, रामचरितमानस में अथवा विभिन्न राम कथाओं में भगवान राम की मना स्थिति का जो वर्णन किया गया है वह हो गया शास्त्रीय पक्ष। और आधुनिक पक्ष क्या है, आधुनिक मानव का जो संशय है, आधुनिक मानव के मन में जो संशय होता है समय समय पर, क्या मैं विजय हो पाऊंगा कि नहीं। तो इस प्रकार हमको दोनों ही भावनाओं को सामने रखना, इसके आधार पर अनुसंधान करना आवश्यक है। साधारणीकरण और भावांतरण के अंतर्गत कविता का विवेचन करना इस बात की अपेक्षा करता है कि अनुसंधान को अनुभूति के आयामों और भाव के शास्त्रीय पक्ष का भी पर्याप्त ज्ञान हो। भावानुसंधान में भाव से संबंधित शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। साधारणीकरण मतलब जो पात्र है उसके मन में जो फीलिंग्स और इमोशंस है, यदि वह दुखी है तो उस कविता को पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला दुखी हो जाता है। वैसे ही भावांतरण मतलब उसके पात्र के मन में जो भाव उठने वाली भावनाएं हैं, दूसरों के मन में भी वही भावनाएं स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका विवेचन करने के लिए क्या आवश्यक है, अनुभूति के विभिन्न आयाम और भाव के शास्त्रीय पक्ष। जैसे मैंने भगवान राम के बारे में बताया, भगवान राम के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है जब वह रावण से युद्ध में बार बार पराजित होते हैं, तो मतलब अनुसंधान के शास्त्रीय आयाम और अनुभूति पक्ष दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। भावानुसंधान में भाव से संबंधित शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय प्रणाली वही हो गया पौराणिक जो कथाएं हैं, और आधुनिक भावबोध दोनों का ही इसमें अनुसंधान किया जाता है। विचारा अनुसंधान मतलब विचार का अनुसंधान, विचारधारा का अनुसंधान, इस प्रकार का अनुसंधान प्राचीन काव्य शास्त्र में शास्त्रानुसंधान भी कहा जाता था। काव्य शास्त्र में इसको कहा जाता था शास्त्रानुसंधान। आधुनिक युग में साहित्य के संदर्भ में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं, जैसे यथार्थवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, मार्क्सवाद है। इन विचारधाराओं में एक ओर काव्य के रचना तत्वों का अंकन किया गया है और दूसरी ओर समकालीन परिदृश्य भी उसका अंग बन गया है, जैसे कि प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद जैसी विचारधाराएं काव्यगत संरचना से जुड़ती हैं, पर मानववाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद उसके परिवेश से जुड़ते हैं। मतलब इसमें किसी रचना का अनुसंधान करते समय उसके क्या है, काव्यगत संरचना को भी देखना है और उसके आधुनिक परिवेश को भी देखना है। तो काव्यगत संरचना के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, प्रतीकवाद, प्रतीक का प्रयोग कैसे किया गया है उसकी संरचना में, बिंब का प्रयोग कैसे किया गया है, यह सब हो गए काव्यगत संरचना। और उसमें मानववाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद मतलब वर्तमान परिवेश में जो विचारधाराएं प्रचलित हैं उसका कितना प्रभाव है साहित्य पर। आधुनिक युग में विचारधाराओं का व्यापक महत्व है, उनके लेखक विचारधाराओं को लेकर साहित्य के संदर्भ में कई कृतियों की रचना कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ की कृति आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण। मतलब वर्तमान समय में जो साहित्य रचा जा रहा है वह प्रायः किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित है, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में दिया गया है डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ की जो कृति है आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, यह आधुनिकता बोध पर आधारित है। अब प्रवृत्ति मूलक अनुसंधान, प्रवृत्ति साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी तथा अन्य विधाओं में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती हैं। अब प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं हिंदी की, जैसे मुख्य सिद्धांत है। इसी प्रकार उपन्यास में आंचलिक उपन्यास, जैसे महिला आंचल है आंचलिक उपन्यास जिसमें आंचल ही उसका हीरो है, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास और समसामयिक विषयों पर अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति मूलक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें एक लेखक की अनेक कृतियों की प्रवृत्तियों और एक ही समय में अलग अलग विचारधाराओं से उपजी प्रवृत्तियों का विवेचन किया जाता है। तो प्रवृत्ति मूलक अनुसंधान में उस प्रवृत्ति को ध्यान रखा जाता है, उस प्रवृत्ति को केंद्र में रखकर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है जिस प्रवृत्ति पर कोई कृति आधारित होती है। प्रवृत्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कला अनुसंधान, कला अनुसंधान मतलब क्या है, उसकी भाषा शैली कैसी है, रस छंद अलंकार का कैसे प्रयोग किया गया है। किसी भी साहित्यिक कृति में अनुभूति के समान ही अभिव्यंजना का भी महत्व होता है। किसी भी साहित्यिक कृति में जितनी अनुभूति मतलब फीलिंग्स फील करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अभिव्यंजना मतलब अभिव्यक्ति प्रदान करना, अनुभूति मतलब महसूस करना भावनाओं को। शैलीगत अध्ययन के अंतर्गत किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन व उसकी परख करना और कला अनुसंधान है। शैली मतलब किस शैली में लिखी गई है वह, जैसे आप देखेंगे अंधा युग, अंधा युग किसमें गीत नाट्य बोलते हैं,
है ना, अंधा युग जो है गाने की शैली में लिखा गया, कविता की शैली में लिखा गया नाटक है, गीति नाट्य बोलते हैं उसको, तो उसके परख करना कला अनुसंधान है। कला अनुसंधान में शैलीगत कला के किसी भी एक उपकरण या किसी काव्य कृति के आधार पर अथवा अनेक काव्य कृतियों के आधार पर अध्ययन करना होता है। तो कला अनुसंधान के अंतर्गत याद है आप किसी पर्टिकुलर किसी जो कृति है उसका उसकी शैली का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें शैलीगत जो भिन्नता है अथवा समानता है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। भाषा अनुसंधान नाम से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में रिसर्च और शोध किया जाता है। जैसे कबीर की भाषा है, कबीर की भाषा शैली कैसी है, सदुकड़ी भाषा है, कैसी भाषा है। तो साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। शब्द को अत्यंत महत्व दिया गया है जो साहित्य रचना का मुख्य आधार है। साहित्य की रचना शब्दों के द्वारा हम करते हैं साहित्य की रचना। भाषा साहित्य साहित्य का मुख्य तत्व होकर किसी भी रचना में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। जैसे मैला अंचल की जो भाषा है आंचलिक भाषा है, वैसे राग दरबारी की जो भाषा है व्यंग्यात्मक भाषा है। किसी भी साहित्य कृति में प्रमुख भाषा का व्याकरण शास्त्र, भाषा शास्त्र अथवा अभिव्यंजना की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आप माणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ेंगे, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो जो भाषा के आधार पर व्याकरण शास्त्र के आधार पर जब हम अनुसंधान करते हैं तब उसे कहते हैं भाषा अनुसंधान। भाषा अनुसंधान स्वतंत्र रूप से हो सकता है अथवा किसी साहित्य कृति की भाषा का अध्ययन भी किया जा सकता है। मतलब या तो भाषा के संबंध में आप रिसर्च कर सकते हैं देश के अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की भाषा प्रयोग में लाई जाती है, अथवा किसी साहित्य कृति की भाषा का भी अध्ययन किया जा सकता है। काव्य कृतियों की भाषा का तुलनात्मक अनुसंधान भी संभव है। इस प्रकार साहित्यिक अनुसंधान में भाषा अनुसंधान का अत्यंत महत्व है। जैसे राम की शक्ति पूजा है और साकेत की भाषा है, दोनों में आप दोनों राम कथा पर आधारित है, संशय की एक रात भी राम कथा पर आधारित है। आप तीनों का तीनों की भाषाओं का आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार साहित्यिक अनुसंधान में भाषा अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठानुसंधान पाठ का अनुसंधान करना, टेक्स्ट का पाठ का, किसी भी काव्य कृति के संपादन का कार्य और पाठ का निर्णय भी प्राचीन काव्य के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक है। किसी भी काव्य कृति की अनेक पांडुलिपियों के आधार पर किसी प्रामाणिक पाठ का निर्धारण पाठानुसंधान के अंतर्गत आता है। संपादन कार्य में संपादक को विषय के साथ ही उस भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए जिसके पाठ का वह अनुसंधान कर रहा है, तभी वह पाठ का प्रामाणिक रूप से निर्धारण कर सकता है। जैसे कोई कृति है उसके विभिन्न प्रकार के पाठ प्रचलित होते हैं, तो पाठानुसंधान के अंतर्गत रिसर्च और शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वास्तव में यह प्रामाणिक पाठ कौन है और इसके लेखक कौन है। जैसे कबीर के साकी सबद रमणी में बहुत सारे अंश जुड़ गए हैं जो वास्तव में पता नहीं कबीर जी ने कबीरदास जी ने लिखे भी हैं कि नहीं। वैसे ही जो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा जाता है कि वह प्रामाणिक है, कुछ कहते हैं अर्ध प्रामाणिक है, कुछ कहते हैं अप्रामाणिक है। तो इस प्रकार प्रामाणिक पाठ का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है, पाठानुसंधान के माध्यम से। अतः पाठानुसंधान में वही वही कार्य आएगा जिसमें पाठ का प्रामाणिक रूप से निर्धारण किया जाए। हिंदी में पाठानुसंधान का कार्य बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी जायसी के पद्मावत, तुलसी के रामचरितमानस, सूर के सूरसागर तथा अन्य प्राचीन कवियों की महत्वपूर्ण कृतियों के प्रामाणिक पाठ का निर्धारण पाठानुसंधान के अंतर्गत आता है। पाठानुसंधान मतलब किसी प्रामाणिक कृति के बारे में पता करना कि वास्तव में यह किसी कवि या लेखक की प्रामाणिक कृति है। जैसे पद्मावत है जायसी, तुलसी के रामचरितमानस, सूर के सूरसागर, सुरसरावली, तो इन कृतियों का जब पाठ का अनुसंधान किया गया तब हमको पता चला कि वास्तव में इनकी प्रामाणिक कृतियां हैं। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। शास्त्र पर अनुसंधान क्या होता है? हिंदी में साहित्य की अनेक विधाओं का अलग से भी अध्ययन किया गया है। कविता के साथ ही आधुनिक युग में गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ है। इस शास्त्रीय अध्ययन में रचनाओं को आधार नहीं बनाया जाता बल्कि काव्य गद्य रूपों का ही विवेचन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, शास्त्रीय अध्ययन में रचना को आधार नहीं बनाते बल्कि उसके लिखने की जो शैली है, जो टेक्निक है, रूप है, जो फॉर्म है, काव्य या गद्य रूप किस फॉर्म में वो लिखा गया है इसका अध्ययन किया जाता है, फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के समस्त अनुसंधान को शास्त्र परक साहित्यिक अन्वेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हिंदी काव्य में रूप विधाएं या हिंदी में गद्य रूपों का विकास। जैसे हिंदी काव्य में जो अलग अलग रूप है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, या फिर हिंदी में गद्य के विभिन्न रूपों का जो विकास हुआ है, इस प्रकार जब अनुसंधान करते हैं तब इसको कहते हैं शास्त्र परक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है? साहित्य में बहुत सा अनुसंधान इस प्रकार का हुआ है जिसमें इतिहास और पुराण के तथ्यों का अन्वेषण किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि शिवाजी सावंत जो मराठी के राइटर हैं, इनका ये कृति है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय में
जो महाभारत है ना, महाभारत में जो कृष्ण, जो कर्ण का चरित्र है, उसको उन्होंने मृत्युंजय में वर्णित किया है। तो उस पर हम, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया पहले उस पर, और उस मृत्युंजय लिखा, कर्ण के ऊपर प्रॉपर उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया, उसके बाद उन्होंने मृत्युंजय नामक उपन्यास लिखा, जो जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वैसे तो प्रत्येक साहित्य कृति के अध्ययन में उसकी पूर्व पीठिका और समकालीन परिवेश ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं, फिर भी कुछ शोध ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्यों का ही प्राधान्य होता है। यह सब ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी है, विराटा की पद्मिनी है, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। तो अगर हम उस पर रिसर्च करते हैं तब हमको उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना पड़ेगा जिस पर यह उपन्यास आधारित है। तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान। तुलनात्मक अनुसंधान क्या होता है? तुलना करना। तुलनात्मक अनुसंधान के अनेक आयाम होते हैं। तुलना दो साहित्यों या भाषाओं की हो सकती है। आधुनिक युग में इतना विकास हो गया है कि अब तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत प्रामाणिक और व्यापक विधा के रूप में विकसित हो रहा है। तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत या तो आप दो विभिन्न भाषाओं में लिखे गए साहित्य का कर सकते हैं, या फिर दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या फिर दो कवियों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, दो लेखकों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अथवा एक ही भाषा के एक युग के दो साहित्यकारियों की कृतियों की तुलना हिंदी में कई बार की गई है। जैसे आप मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत की तुलना कर सकते हैं, वैसे ही आप जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, अंग्रेजी के साहित्यकार और हिंदी के साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत की, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। दो काव्य प्रवृत्तियों की भी तुलना कर सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और छायावाद, इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार द्विवेदी युगीन साहित्य और भारतेंदु युगीन साहित्य की तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार एक काव्य प्रवृत्ति के अंतर्गत दो कवियों या साहित्यकारों की तुलना की जा सकती है, जैसे निराला और पंत के काव्य की तुलना। तो ये एक उदाहरण है। तो इस प्रकार तुलनात्मक अनुसंधान आप कर सकते हैं। अब निष्कर्ष लिखना आपको आवश्यक होता है परीक्षा में, प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन निष्कर्ष लिखना आपके लिए जरूरी होता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अनुसंधान के अनेक प्रकारों में यह विशेषता सर्वमान्य है कि अनुसंधान की सारी प्रक्रिया में एक और मौलिक तथ्यों का उद्घाटन होता है और दूसरी ओर ज्ञात तथ्यों की मौलिक और नवीन व्याख्या की जाती है। तो एक और क्या होता है, नए नए और मौलिक तथ्य प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो पहले से ज्ञात तथ्य हैं, जो पहले से हमको पता है, उनकी नई नई व्याख्या की जाती है, मौलिक और नवीन व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर ही विविध प्रकार के अनुसंधान करना संभव होता है। जैसे आप कबीर की भाषा के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं तो आपको नए नए तथ्य मिलते जाएंगे, उसको आपको हाईलाइट करना है ना। और पहले जो कही गई बात में भी आप नए परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका अनुसंधान करेंगे। विचार साहित्य का प्रमुख क्षेत्र नहीं होता है, समझना ही उसका आधार होती है, किंतु किसी भी कृति में कोई ना कोई विचारधारा महत्वपूर्ण होकर आती है। इस प्रकार अब कलाओं का अंतर संबंध आवश्यक हो गया। वास्तव में किसी भी साहित्य कृति में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन विचारधारा का भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य कृति में कोई ना कोई विचारधारा मुखर होकर आती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हमको जानना यह जरूरी है कि विभिन्न प्रकार की जो ललित कलाएं हैं या फिर विभिन्न प्रकार का जो साहित्य है, किस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जैसे काव्य, संगीत और चित्र एक दूसरे से किस प्रकार निकट से जुड़े हैं। साहित्य के अनुसंधान में अनुसंधाता को, मतलब शोधकर्ता को, शोधार्थी को इन व्यापक सरोकारों से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसकी प्रामाणिकता और मौलिकता बची रह सकती है और किसी भी सृजन का वास्तविक स्वरूप सामने आ सकता है। इस कारण अनुसंधान को एक रचनात्मक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जब हिंदी साहित्य का कोई छात्र शोध कार्य में संलग्न होता है, कोई रिसर्च लिखता है, कोई रिसर्च पेपर प्रकाशित करना चाहता है, चाहे लघु शोध प्रबंध हो अथवा पीएचडी के लिए शोध प्रबंध हो, तब उसको इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। तभी वह सृजन का वास्तविक स्वरूप सामने रख सकता है, ला सकता है, और तभी वह एक अच्छा शोध प्रबंध प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इसको भली भांति समझ लिया होगा, शोध के प्रकार को। तो और इसका जो आज का जो मेरा लेक्चर है, उसका नोट्स है पीडीएफ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।